All right, students, I'm sharing my screen with you all now. Once it is visible to you, just let me know. Is it visible? Someone please unmute your mic and tell me. Yes, sir. Thank you. All right, students. So like I said in the last class, this is the last type we are covering with regards to the design of anti-friction bearing or ball bearing. This numerical was asked. This numerical is a new numerical because the variables that are being asked to calculate are new. अब तक आपको एवरेज लाइफ और बियरिंग लाइफ दे दिया जाता था और आपको बियरिंग नंबर कैलकुलेट करना होता था. इन दिस न्यूमेरिकल बियरिंग नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट बियरिंग लाइफ, दैट इज L10 लाइफ. व्हेन इट सेज बियरिंग लाइफ, दैट इज L10 लाइफ एंड एवरेज लाइफ, दैट इज L. तो आपको ये दो चीजें रिपोर्ट करनी है, L दैट इज एवरेज लाइफ इन मिलियन रिवोल्यूशंस एंड L10 लाइफ. बराबर, ये दो लाइफ आपको यहाँ पे आंसर करनी है. दूसरा इसमें चेंज ऐसा है कि हियर इट इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम्स. आप देखो 55% में 1800 आरपीएम की बात चल रही है, 25% में 1200 आरपीएम की बात चल रही है, 20% में 800 आरपीएम की बात चल रही है. और हर एक परसेंटेज ऑफ टाइम के लिए एक्सियल लोड और रेडियल लोड की वैल्यू अलग अलग है. आप देखो 55% टाइम में एक्सियल लोड का वैल्यू 5 किलोन्यूटन है, रेडियल लोड का वैल्यू 3 किलोन्यूटन का है. अगले 25% के लिए 3 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड है और 12 किलोन्यूटन का रेडियल लोड है. अगले 20% ऑफ टाइम के लिए 18 किलोन्यूटन का रेडियल लोड है और एक्सियल लोड की वैल्यू 0 है. आरपीएम भी चेंज हो रहा है, रेडियल लोड भी चेंज हो रहा है. हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हमको एक चीज तो पता चल गई कि जैसे ही हमको A0312 रेडियल कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग बोला गया, वैसे अपने को पता चल गया कि हमको 03 सीरीज में 12 नंबर की बियरिंग देखनी है. सो ये सीरियल नंबर है, ठीक है? ये सीरियल नंबर का आप ख्याल मत करना, आप बोर नंबर के हिसाब से देखना. सो 0312 उसके हिसाब से अपने को डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी सी की वैल्यू अपफ्रंट मिल जाती है एंड दैट इज इक्वल टू 64,000 न्यूटन. ठीक है, तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में बियरिंग नंबर दिया हो तब आपको ये चीज सबसे पहले करनी है कि डायनेमिक लोड कैपेसिटी आपको सबसे पहले फाइंड आउट करके रख देनी है. ठीक है, तो ये चीज तो अपने को मिल गई 0312 बॉल बियरिंग. अब ये एक्सियल लोड और रेडियल लोड की वैल्यू 55% ऑफ टाइम, 25% ऑफ टाइम और 20% ऑफ टाइम के हिसाब से, तीन ड्यूरेशन के हिसाब से हमको लिख देनी है यहाँ पे गिवन डेटा. ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किए थे, हम हर एक ड्यूरेशन का आरपीएम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट लाइन देखिए आप, 50% ऑफ टाइम एट 1800 आरपीएम, 50% ऑफ टाइम एट 1800 आरपीएम. क्या इसी का मीनिंग ये है कि 1800 आरपीएम के 55% ऑफ टाइम, 1800 आरपीएम का 55% टाइम? तो हम लोग सिंपल एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेशन, बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो परसेंटेज बोला है वो परसेंटेज इस नंबर का निकाल लेना है. तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 0.55 एंड दैट गिव्स अस 990. That means, पहली जो लोड साइकिल चली 5 किलोन्यूटन एक्सियल और 3 किलोन्यूटन रेडियल की, वो 1800 का 55% टाइम तक के चली. मतलब कितने आरपीएम तक के चली? 990 आरपीएम तक के. तो आप देखो फॉर ड्यूरेशन 1, N1 इज इक्वल टू 990 आरपीएम. अब ये न्यूमेरिकल में किस तरह से सॉल्व किया गया है, जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो भी बता देता हूँ. यहाँ पे वर्क साइकिल उन्होंने एज्यूम की है 60 सेकंड की वर्क साइकिल एज्यूम की. वो वर्क साइकिल के टाइम का 55% टाइम निकाला जो 33 सेकंड आता है, और फिर उसके हेल्प से आपका N1 कैलकुलेट किया गया, विच इज अ लॉन्ग स्टेप टू डू. सिंपली आपको 55% ऑफ 1800 आरपीएम निकाल देना, यू विल गेट द सेम आंसर. फाइन, नाउ ड्यूरेशन 2 इज 25% ऑफ 1200. अगेन लेट अस डू इट, 1200 का 25% विच गिव्स अस 300 आरपीएम. तो जो N2 मिला अपने को, वो अपने को 300 आरपीएम मिला. ठीक है, मूविंग ऑन टू ड्यूरेशन 3,
इट इज 20% ऑफ 800 आरपीएम, 20% ऑफ 800 आरपीएम. वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट मैं आपके सामने कर देता हूँ. 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट गिव्स अस 160 आरपीएम एज N3. तो अपने को N3 कितना मिला? 160 आरपीएम. N1 वी गॉट इट एज 990, N2 वी गॉट इट एज 300, N3 वी गॉट इट एज 160. ठीक है, साथ साथ में अपने पास थ्री वैल्यूज ऑफ एक्सियल लोड है, विच इज 5000 न्यूटन, विच इज FA1, FA2 इज 3000 न्यूटन एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड FA3 इज 0 न्यूटन. सिमिलरली वी हैव थ्री वैल्यूज ऑफ FR, दैट इज रेडियल लोड. सो FR1 इज 3000 न्यूटन, FR2 इज 12000 न्यूटन, 12 किलो न्यूटन बोला हुआ है, एंड FR3 इज 18 किलो न्यूटन. ऑल राइट, सो 18000 न्यूटन. अपने को पता है कि जब मीन रेडियल लोड निकालते हैं तब हम समेशन ऑफ n करते हैं, समेशन ऑफ n करते हैं. तो यहाँ पे एक चीज गार्ड बांध लेना कि ये जो 1800, 1200 और 800 दिया हुआ है उसका समेशन नहीं चाहिए रहता है अपने को. अपने को N1, N2, N3 का समेशन चाहिए होता है. ठीक है, तो ये 1800, 1200, 800 का समेशन अपने को नहीं दिखाना है. अपने को समेशन दिखाना है N1 का, विच इज 990, प्लस N2 विच इज 300, प्लस N3 विच इज 160, एंड दैट गिव्स अस समेशन ऑफ N वैल्यू इज इक्वल टू 1450 आरपीएम. तो इसके डिनोमिनेटर में जो आएगा, मीन रेडियल लोड के डिनोमिनेटर में, इट शुड बी समेशन ऑफ N1, N2 एंड N3 एंड नॉट द वैल्यूज गिवन इन द न्यूमेरिकल. यहाँ पे अगर 100% ऑफ 1800 बोला रहता तो यहाँ पे समेशन में 1800 आ गया रहता. ठीक है, बट 55% बोला है तो 990 आ गया, 25% ऑफ 1200 बोला है तो 300 आ गया, और 20% ऑफ 800 बोला है तो 160 आ गया. सर आपका आवाज कट रहा सर. ऑलराइट, लेट मी चेक. ओके, let us summarize it once again. Once you know that the bearing number is given, you can find out the value of dynamic load carrying capacity. Dusri cheez humne ye discuss ki ki hum log jo ye summation of n likhte hai mean radial load nikalte waqt, that should be addition of n1, n2 and n3, which in turn depend on ki total rpm ke kitne percent ke liye wo aapko ye load ki value di gayi hai. Theek hai, now next step is calculation of mean radial load. अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे KS फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया गया है. KS दैट इज सर्विस फैक्टर. क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे कहीं पे भी लोड कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया. लोड कंडीशन मतलब माइनर शॉक लोडिंग है, नो शॉक लोडिंग है, या फिर मॉडरेट शॉक लोडिंग है, उसके बारे में कुछ भी बोला गया नहीं. तो यहाँ पे हमने वो KS फैक्टर यूज नहीं किया. यह फॉर्मूला आपको पता है, हमने डेटा बुक में से टेबल नंबर 13-13 से हमने पिकअप किया. F1 cube N1 plus F2 cube N2 plus F3 cube N3 divided by summation of n to the power 1/3. वहां से हमने ये फॉर्मूला पिकअप किया है. सो FR1 हम लोग मीन रेडियल लोड निकाल रहे, तो FR1 cube, वॉट इज द वैल्यू ऑफ FR1? इट इज 3000 न्यूटन. सो 3000 cube N1 कितना है? 990 आरपीएम, वो लिख दिया. FR2 cube, what is the value of FR2? 12,000 newton. And what is N2? 300 RPM. So 12,000 cube into 300 RPM plus FR3 cube into N3. This should be N3 here. So FR3 is 18,000 newton, 18,000 newton cube multiplied by N3, that is 160 RPM to the power 1/3 divided by summation of N. Summation of N is addition of N1, N2 and N3. तो ये हमने कर लिया. उसके बाद में हमको FRM मिलता है 10,065 न्यूटन. सिमिलरली वे कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मीन एक्सियल लोड. यहाँ पे हमने FA1 क्यूब लिखा. FA1 क्यूब इज 5000 क्यूब एट 990 आरपीएम, तो वो लिख दिया हमने. FA2 क्यूब इंटू N2, FA2 इज 3000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 300 आरपीएम, एंड FA3 तो जीरो है, तो N3 से मल्टीप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है. ठीक है, तो FA3 इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया. डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ N, विच इज N1 N2 N3, N1 प्लस N2 प्लस N3, दैट इज 1450 आरपीएम. और उस हिसाब से FAM, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ एक्चुअल लोड, वी फाउंड इट एज इक्वल टू 4497 न्यूटन. ऑलराइट, अब जैसे ही हमको रेडियल लोड और मीन रेडियल लोड और मीन एक्चुअल लोड की वैल्यू मिल गई, वी नो वी गो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट लोड. इक्विवेलेंट लोड का फॉर्मूला है एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए मल्टीप्लाइड बाई के एस एओ के पी के. ठीक है, एक्स और वाई के लिए हमको एफ ए बाई एफ आर का रेशियो लेना पड़ता है, और के एस के ओ के पी के आर हमको 13-15 टेबल नंबर से फाइंड आउट करना पड़ता है.
तो 13-15 हम लोग ये टेबल नंबर पे आ गए। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं। ऑसिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वन ले लिया, प्रीलोडिंग के बारे में कुछ भी न्यूमेरिकल में बोला नहीं है तो वन ले लिया, रोटेशनल फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वन ले लिया, और सर्विस फैक्टर के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला गया है सो हम लोग वन भी ले सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया था कि सिंस आप देखो ये यूनिफॉर्म लोडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हमको देख के पता चल रहा है कि सिंस द वैल्यूज ऑफ एक्सियल एंड रेडियल लोड्स आर गेटिंग चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, दैट मींस ये यूनिफॉर्म लोड तो पक्का नहीं है। अब यूनिफॉर्म लोड के बाद क्या अवेलेबल है, लाइट शॉक, तो लाइट शॉक के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया 1.5 ये सर्विस फैक्टर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए केएस का वैल्यू 1.5 ले लिया और बाकी केओ केपी केआर का वैल्यू 1 लेके आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब फिर भी अपने पास एक्स और वाई का वैल्यू नहीं है, एक्स और वाई के वैल्यू के लिए हम लोग एफ ए एम डिवाइडेड बाई एफ आर एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो अपने को 0.44 मिलती है। वेयर एज इफ वी एज्यूम दिस एज बॉल बेयरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का ई वैल्यू इज 0.25, तो उसके हिसाब से एक्स एफ ए अपॉन एफ आर जो है वो 0.25 से बड़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि एफ ए बाई एफ आर का वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आया है वो 0.44 है, वेयर एज वैल्यू ऑफ ई इज 0.25, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू हमको 0.56 लेना है और वाई का वैल्यू 1.6 लेना है। तो आप देखिए ई 0.25 है, एफ ए एम बाई एफ आर एम इज ग्रेटर देन ई, दैट इज 0.25, देयरफॉर एक्स का वैल्यू 0.56 और वाई का वैल्यू 1.6। एफ ई में अपने पास एक्स का वैल्यू आ गया, एफ आर एम आ गया, वाई का वैल्यू आ गया, एफ एम आ गया, के एस का वैल्यू हमने 1.5 ले लिया, के ओ के पी के आर 1 ले लिया, उसके हिसाब से एफ ई का वैल्यू 19247 न्यूटन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ एफ ई एंड वी नो द बियरिंग नंबर जैसे कि मैंने बताया था 0312, तो 0312 के हिसाब से हम लोग सबसे पहले डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ हाउ टू फाइंड आउट डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, बट अगेन वी विल डिस्कस दैट। 0312 बोला तो हम लोग 03 की सीरीज में देखना चालू करेंगे, कहां तक के, जब तक अपने को 12 नहीं मिल जाता है। तो 03 और 12 को मैं जब मैच कराता हूं तो सी का वैल्यू मुझे 64,000 मिलता है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। अब तक हमने क्या किया, हमने डायनामिक लोड कैपेसिटी को हर बार कैलकुलेट करते गए, एवरी सिंगल टाइम वी वेंट ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे सी का वैल्यू, सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ बेयरिंग नंबर, वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ डायनामिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, और अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट बेयरिंग लाइफ दैट इज L10 लाइफ एंड एवरेज लाइफ दैट इज L। तो ये दो L और L10 ऐसे दो वैल्यूज अपने को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, नाउ हाउ टू डू इट, वी नो दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू सी अपॉन एफ ई टू द पावर एन इन टू के रिलेटिव। कहां से आया फॉर्मूला, टेबल नंबर 13-13 में से। ओपन करते हैं एक बार, एक मिनट, टेबल नंबर 13-13 में लाइफ ऑफ बियरिंग दैट इज एवरेज लाइफ इज एल इज इक्वल टू सी अपॉन एफ ई टू द पावर एन इनटू के रिलेटिव, वेयर एन इज इक्वल टू 3 फॉर बॉल बियरिंग। सो एन इज इक्वल टू 3 का वैल्यू तो अपने को मिल गया, के रिलेटिव 50% रिलायबिलिटी के लिए 5 है तो 5 का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में अपने पास सी का वैल्यू अवेलेबल है 64,000, एफ ई का वैल्यू अवेलेबल है दैट इज द वैल्यू दैट वी कैलकुलेटेड 19247 न्यूटन, N का वैल्यू 3 है ये अपने को पता चल गया, और K रिलेटिव 5 है वो भी पता चल गया। तो क्या यहां से मेरे पास एवरेज लाइफ की वैल्यू आ जाएगी विच इज 183.85 मिलियन रिवोल्यूशन, विच इज 183.85 मिलियन रिवोल्यूशन। नाउ व्हाट वी हैव डन इज यहाँ पे लाइफ को आर्स में भी कैलकुलेट करके छोड़ दिया। आई थिंक इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू रिपोर्ट इफ आस्ट इन न्यूमेरिकल लाइफ इन आर्स, और उसके लिए हम कैसे करेंगे, हम मिलियन रिवोल्यूशंस जो है उसको आरपीएम, जो समेशन ऑफ आरपीएम है, जो अपना 1450 आया था यहाँ पे, जो समेशन ऑफ आरपीएम है, दिस इज एज गुड एज एवरेज आरपीएम। ठीक है ना, दिस इज एज गुड एज एवरेज आरपीएम, क्योंकि अपने पास तीन आरपीएम वैल्यूज है 1800, 1200 और 800, तो दिस इज एज गुड एज एवरेज आरपीएम। तो ये एवरेज आरपीएम मल्टीप्लाइड बाय 60 जब हम लिख देते हैं, when we divide this average life by average RPM or average RPS, तो हमको आर्स में अपने को लाइफ एवरेज लाइफ ऑफ बियरिंग मिलती है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया था आपको बियरिंग लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों कैलकुलेट करके बतानी है, तो एवरेज लाइफ तो हमने कैलकुलेट कर ली है।
L10 life जो C upon Fe to the power n होता है, it is L10 life. तो C का वैल्यू भी है अपने पास 64,000 to the power 3 और Fe का भी वैल्यू अपने पास है 19247. तो यहाँ से अपने को अगेन मिलियन रिवोल्यूशन में L10 life भी मिल जाएगी. एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस न्यूमरिकल. ठीक है. एंड